समय सुबह के 9:15 और अभी तक यहाँ पे जो है धूप नहीं आई है। ये देखो नीचे नीचे अभी धीरे धीरे धूप आ रही है। हमारे गांव में तो अभी तक जो है आधा दिन हो गया होगा, क्योंकि वहाँ सुबह जो है 8 बजे के करीब धूप आती है, यहाँ पूरा 1.5 घंटे लेट है धूप। तो बस ये हाल है कुछ। जल्दी आ भाई, जल्दी आ, दौड़ क्या, दौड़ क्या, दौड़ क्या, शाबाश। गुड मॉर्निंग, कौन बोलेगा? गुड मॉर्निंग, हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंडी भरत ब्लॉग्स में। मैं भरत बिष्ट देवभूमि उत्तराखंड से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कल रात का जो देवता पूजन का कार्यक्रम था वो आपको पसंद आया होगा। तो बस आज और कल का दिन और है यहाँ पे, कल जो है भंडारा होगा, तो चलिए देखते हैं कि आज का दिन जो है किस तरीके से व्यतीत होता है। और दो दाने चावल पकड़ो, ज्योति की प्रतिष्ठा करो, तो टोली वाली ओ मदनगी ततल का हो गया, सती बन रही हम तीन का तनो तो रिश्ता हो। मम गृह मम ग्रामे श्री रस्तुर भवंतो गुणवंतो हो। मम गृह मम ग्रामे श्री रस्तुर भवंतो गुणवंतो हो। सर्वे ग्रामवासी नाम सर्वे मन गृह श्री रस्तु भवंतो गुणवंतो, श्री रस्तु भवंतो गुणवंतो, श्री रस्तु भवंतो गुणवंतो हो, श्री रस्तु श्री रस्तु श्री रस्तु हो। तो ये है हमारी गाड़ी और जो ताई साथ में आए थे उनकी कोठी है यहाँ पे, और दवाई भी बोल रहे हैं दवाई है। और ये हमारे मामू का घर जहाँ पे माता आई हुई हैं, तो हमारी नानी है। तो सुबह से शाम हो आई है, ठंड बढ़ गई है, अब जो है पूजन की तैयारी चल रही है। अभी पीछे जो है मंदिर में आप आवाज सुन रहे होंगे, अभी जो है आरती चल रही है, भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। जैसे ही होगा इसके बाद लोग घर आएंगे, खाना खुना खाएंगे, और उसके बाद फिर से जो है रात को पूजन होगा। जैसे कल रात आपने वीडियो देखी थी उसी तरीके का पूजन होगा। तो चलिए दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से पूजन रहता है। आज जो है दूसरा दिन है इस पूजन का, और कल जो है आखिरी दिन होगा, कल जो है भंडारा है कल, तो कल दिन में ही जो है पूजा खत्म हो जाएगी। तो यही दिखाने की कोशिश करूंगा आपको इस ब्लॉग में भी। तो चलिए करते हैं इंतजार और शाम का। भक्ति जो करे सेवा का मेवा भक्ति का फल जो जो लो।
अपना मन में देवी अग्रे सोते सोते आया 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 आया।
Thank you.
जोदा
Bye.
सोना मेरे बोलो यो बोलो हमारे बे
Thank you.
चलिए इसी के साथ आज का देवता पूजन का कार्यक्रम संपन्न होता है। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।